होली की आप सबको बहुत बहुत बधाई दोस्तों। मैं ये नमक पारा बना रही हूँ सूजी और आटे से, तो आप मैदे से भी बना सकते हैं। तो हम सूजी का इसलिए इस्तेमाल करें, थोड़ा सा क्रिस्पी होगा और आटे का टेस्ट भी नहीं आता है इसमें। तो मैंने एक कटोरी सूजी ली है और 3 कटोरी आटा लिया है। मैंने इसमें 1/2 टीस्पून कैरम सीड, 1/2 टीस्पून जीरा लिया है। आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हैं। और सबसे कम कलौंजी यानी कि मंगरला लिया है, जिसे ओनियन सीड कहते हैं। तो 1/4 स्पून कैरम सीड लिया है। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है। आटा या घी डालने के बाद जब हम इसको घी को या ऑयल को खूब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आटे में, तो उसको देखते हैं कि जब ये लड्डू बनने लगे तब इसमें पानी डाल के इसको सानते हैं। ये इसका ट्रिक है, तभी जो है क्रिस्पी क्रिस्पी अच्छा बनता है। आप 10 से 15 मिनट भी इसको रेस्ट पर रख सकते हैं। सूजी को रेस्ट पर रखना ज़रूरी है ताकि ये फूल जाए और इसका क्रिस्पी सा जो है टेक्स्चर आए खाने में। देखिए मैंने इसको इससे स्लैब पर, किचन स्लैब पर ही बेल लिया, फिर उसको काटा है चाकू से। और देखिए चाकू से उठा रही हूँ, ऐसे भी आप उठा सकते हैं और हाथ से भी उठा सकते हैं। और विश्वास मानिए ये ऑयल में बिल्कुल अलग अलग एक अलग अलग हो जाएगा। थोड़ा सा मीडियम हीट पे ही इसको फ्राई करना है ताकि आप इसमें चिपके नहीं। देखिए मैं आपके सामने गोल्डन ब्राउन होने पर इसको निकालने जा रही हूँ। मीडियम फ्लेम पे ही इसको पूरा तल के निकालना है। और आपको अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब।